हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त करण स्वागत करता हूं आपका कर्ण फैक्ट्स में। और आज हम जानेंगे एक ऐसी ट्रिक जिसे आप शायद ही जानते होंगे। ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। ये ट्रिक वैलिड होगी अगर कोई भी डिजिट के लास्ट में 9 गिवन हो, तो चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो। तो गाइस चलिए देखते हैं ये ट्रिक। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस देखते हैं इस ट्रिक को। चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, पर अगर उसके लास्ट में 9 गिवन है और अपने को मल्टीप्लाई गिवन है, इसे मल्टीप्लाई करना है, ट्रिक वैलिड होगी, हमेशा वैलिड होगी गाइस, मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक को गाइस। मान लीजिए पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कैसे होता है। मान लो अपने पास 2 डिजिट हैं, नंबर हैं, एक ये 79 है और एक 39 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है गाइस। मान लीजिए ये तो वैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। ये देखिए, अब 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है गाइज, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है गाइज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा क्या आएगा, 32 आएगा गाइज। 32 आ गया, ये याद कर लेना गाइज, यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है। मुझे याद करके अब यहाँ 0 लगा देना, यहाँ 0 लगा दिया आपने। अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करके क्या बना, 12 बन गया, 12 बना। और जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया था उसमें से इसको माइनस कर दीजिए गाइज। अब इसको माइनस करा तो अपने पास क्या आया, 308 आया गाइज। अब 308 आ गया और एंडिंग में फिर से यार मुझे याद कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 1 लगा देना, ये आपका आंसर आ गया 3081। मैं आपको चेक करा देता हूँ कैलकुलेटर से, ये बिल्कुल अप्रूव्ड मेथड है गाइज। ये देखिए कैलकुलेटर लिया मैंने, कैलकुलेटर में अब अपनी क्या डिजिट थी, 79 थी और मल्टीप्लाई करना था अपनों को 39 से, 3081 गाइज। ये देखिए 3081, पूरी गारंटी दी है गाइस मैंने, ये मेथड बिल्कुल अप्रूव्ड है अगर लास्ट में 9 गिवन हो। अब अपने थोड़ा फास्टली करते हैं गाइस। अब मान लो कोई भी 2 डिजिट दे रखे हैं हमने, मान लो 69 दे रखा है और एक 89 दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मन ही मन में करेंगे गाइस। सुन लो, इन दोनों, इसका अगला नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इसका अगला हो गया 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 63। मुझे याद कर लेना, यहाँ 0 लगा देना। अब इन दोनों को ऐड करा तो क्या बना, 16 बना, यहाँ पे 16 माइनस कर देना, 16 माइनस करा तो क्या बना, 614 बना, 614 बना तो यहाँ पे मुझे फिर से याद कर लेना, यहाँ पर लगा देना गाइस। तो इसका आंसर आ गया 6141 गाइस। फिर से मैं आपको कैलकुलेटर पे चेक करा देता हूँ ताकि आप कहें ये फेक है, बिल्कुल फेक नहीं है गाइस, ये अप्रूव ट्रिक है। हमने क्या लिया था, 69 लिया था और उसको मल्टीप्लाई करा था 89 से, 6141 गाइस। ये देखिए 6141 गाइस, बिल्कुल अप्रूव्ड मेथड है, कोई गलती नहीं है। अब आप कहोगे 3 डिजिट का भी कहा था मैंने, तो अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर पे कैसे करते हैं। 3 डिजिट और 2 डिजिट ले लेते हैं हमने साथ में। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, 119 ले लो, लास्ट में 9 होना जरूरी है गाइस इस ट्रिक में। और मान लो 89 ले लिया, अब इस पे बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। अब अपने फास्टली करते क्योंकि आपको समझ तो आएगा, इससे अगला 12 होगा, इसका अगला 9 हो गया, ठीक है गाइस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो सोख है गाइस, 108 होता है, मुझे याद कर लेना, यहाँ 0 लगा देना गाइस, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या बना, इन दोनों को प्लस करा तो 21 बना, जो कि यहाँ से घटा दो गाइस, 21 माइनस करा, 21 माइनस करा तो अपने पास बना 1059 बचा गाइस अपने पास, ठीक है। और एंडिंग में फिर से मुझे याद कर लेना, 1 लगा देना गाइस। अब ये मैं कैलकुलेटर पर आपको चेक कराऊँगा गाइस, कैलकुलेटर पर, कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है गाइस। हमने लिया था 119 को इंटू करना था 89 से, गाइस 10591 बिल्कुल अप्रूव ट्रिक है गाइस, कोई फेक ट्रिक नहीं है। लास्ट एग्जांपल हो रहे थे, दोनों 3 डिजिट को देखते हैं, ठीक है, दोनों ही 3 डिजिट, तो मान लो 119 और 129, ये दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है गाइस। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लास्ट में अगर 9 गिवन है तो ही अप्रूव्ड होगी ये ट्रिक, ठीक है। कहीं बाद में मुझे कहो कि सर ने तो ये कहा था फिर भी ये नहीं हुआ, तो अब लास्ट में 9 गिवन होगा फिर ही होगी। अब इससे अगला मान लो 12 होता है गाइस, ठीक है, और इससे अगला 13 होता है। अब इस ये तो छोटा सा है, मतलब इसे तो अपने को पता होता है 12 × 13 क्या होता है गाइस, 156 होता है गाइस, मुझे याद कर लेना है, 0 लगा देना। अब इन दोनों को ऐड करा तो क्या बना, 25 इससे सब्ट्रैक्ट कर देना गाइस, सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बना गाइस, 1535 बना, 1535 बना, तो लास्ट में फिर से मुझे याद कर देना, 1 लगा देना गाइस। फिर से मैं आपको कैलकुलेटर पे चेक करा देता हूँ गाइस, फिर आपको ये फेक है तो ये बिल्कुल फेक नहीं है। अब 3 डिजिट का मान लो 119 लिया था, मल्टीप्लाई करा था 129 से, 1535 गाइस यहाँ पे गिवन है, 1535 गिवन है, बिल्कुल अप्रूव्ड है गाइस।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।